हैरान करने वाला खबर हम लोगों के समक्ष आया कि पिताजी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, सब लोगों में काफी दुख था और हम दरभंगा जा नहीं पाए, इसलिए आज पटना आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़पूर्ण नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुलाकात करने के लिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से पटना उनके कंकड़बाग आवास पर पहुंचते हैं। जिस तरह से उनकी पिता की हत्या हुई दरभंगा, वो नहीं जा पाए, इसको लेकर आज वो मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और बंद कमरे में काफी देर तक बात भी हुई। और उसके बाद क्या कुछ करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। मुकेश जी क्या मिलने आए हुए हैं? देखिए, इस दुख के घड़ी में इनके पूरे इनके परिजनों के प्रति हम लोगों की संवेदना है। दुर्घट घटना हुई और हैरान करने वाला खबर हम लोगों के समक्ष आया था कि पिताजी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, सब लोगों में काफी दुख था और हम दरभंगा जा नहीं पाए, इसलिए आज पटना आए हैं तो इनसे मुलाकात करने हम लोग आए हैं। और पूरे हमारे परिवार के लोग, पिताजी खुद दरभंगा होकर के आए थे शाद कार्यक्रम में, तो हमारी मुलाकात हुई नहीं थी उनसे, हालांकि फ़ोन पे हमारी बात हुई थी। और आप लोग भी जान रहे हैं कि हम कुछ दिनों से वायरल था, उस वजह से हम जा नहीं पाए। वापस आने के बाद जब पता चला ये आए हैं तो इनसे मिलने हम लोग आए हैं, और हम लोग तो भाई जैसे हैं। और बड़ी दुखद घटना हुई, हम लोग को चौंकाने वाला खबर आया था इस प्रकार से, तो विश्वास नहीं, लेकिन अब जो ऊपर वाला जो लिखा है वो हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है, आप लोग भी देखते होंगे कि लगातार हम अपना प्रेस रिलीज हो या सोशल मीडिया पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हर जगह हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बैंकों में लूट, इस तरह की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं से ये साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री का इकबाल जो है प्रशासन पर वो ख़त्म हो चुका है। पुलिस का भय नहीं रह गया है लोगों के मन में, जो अपराधी हैं, और अपराधियों को जो है संरक्षित किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, ये साबित हो रहा है। लगातार बिहार में प्रतिदिन हत्या, मर्डर, रेप, अपहरण घटना हो रही है, लेकिन सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको देखने वाला हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी देरी होती है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, अपराधियों को सजा नहीं दिला पाती है पुलिस, तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। जो लोग जंगल राज की दुहाई देते हैं, आज इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उस पर प्रशासन के लोग चुप हैं, खामोश हैं। अपराधियों को बचाया जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, नीट पेपर के घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, सरकार में कई भ्रष्टाचार में उसमें बचाया जा रहा है लोगों को, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। और लगातार इस बात को लेकर के बिहार के लोग जो हैं हाहत है कि ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है, दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ। तो हम लोग सब लोग देखे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई अति पिछड़ों के मुकेश सहनी जी इतने बड़े नेता हैं, बिहार के नेता हैं, और इनकी पिता की अगर इस तरह से हत्या कर दी जाती है तो आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो ये सवाल तो खड़ा होता ही है। तो हम लोग सब लोग जो है इस दुख के गरीब इनके हम लोग साथ मिल रहे हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है जिस तरह से इनके पिता की हत्या हुई और हम दरभंगा नहीं जा पाए थे, इसलिए आज उनके मुलाकात करने के लिए उनसे उनके आवास पर पहुंचे थे और बिहार सरकार पर भी बरसते हुए दिखे। इस तरह का तमाम खबरों को न्यूज़पूर्ण के साथ, नमस्कार।